तो AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बताते चले तेलंगाना में वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और अलग अलग लीडरान के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हुआ है। जो भी वहां के हल्के के हैं वो अपने हक के राय दही का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार 9 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं और जीत का दावा भी लगातार असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, वोटर्स यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही फिंगर है जो आपके हक रायदही की तस्दीक करती है। तो AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग लीडरान के भी वोट कास्ट करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बयानों को लेकर हमेशा मशहूर रहते हैं और इंतखाबी तस्वीर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए थे, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो 119 सीटों पर तेलंगाना की वोटिंग यहां पर हो रही है और AIMIM ने 9 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं और लगातार अगर दो बार से बात करें तो सातों की सात सीट AIMIM जीत कर आती रही है और ऐसे में इस बार देखना यह अहम होगा कि किस तरह के नतीजे इस बार निकलकर सामने आते हैं। तो यहाँ पर मीडिया से खिताब भी अगर करते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो आपको सुनवाएंगे। फिलहाल उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है, हैदराबाद में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, तमाम तर लोग भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जमहूरियत के जश्न में अपने हक रायदही का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर किया। तो मीडिया से खिताब भी असदुद्दीन ओवैसी यहां पर करेंगे, सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में आज वोटिंग को लेकर क्या कुछ कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। तो तेलंगाना में आज वोटिंग का अमल लगातार जारी है, 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ है और 5 बजे तक तकरीबन ये वोटिंग का अमल जारी रहेगा। मैं तमाम मोबाइलों को शेयर कर ले सकते ना, अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपनी आवाज को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आईन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत जरूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं MCC का वायलेशन ना हो जाए, आपकी TRP तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा।
अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पर चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए, आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए मगर आके वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सबको वोट डालना है और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। ये इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना, जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए और आप ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। थैंक यू।